हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं संगीता पांडे, इंदौर, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर, मतलब इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं एक बात करूँगी जो कॉमेडी भी है, और कॉमेडी इसलिए है क्योंकि मैं अपने आप को खुद गिफ्ट कर रही हूँ कोई चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट करते करते थक जाती हूँ तो कोई मुझे गिफ्ट देता नहीं है। गिफ्ट देना नहीं है तो मैं खुद के लिए ही खुद से गिफ्ट कर रही हूँ। कल मेरी एनिवर्सरी है, तो पांडे जी इलेक्शन में बिज़ी हैं तो वो मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पा रहे हैं, और वो मेरे लिए गिफ्ट नहीं ला पा रहे हैं इसलिए मैं अपने लिए खुद के लिए गिफ्ट ऑर्डर की हूँ। एजियो से है ये, और मैं ये अपने लिए खुद के लिए ऑर्डर की हूँ। फिलहाल पांडे जी के लिए कुछ नहीं हूँ मैं, और उसका प्लान मैं बताती हूँ, कब तक करती हूँ, कल करती हूँ या क्या करती हूँ। और मेरी एनिवर्सरी कल ही है तो मैं इसको दिखाती हूँ आप लोग को, इसको ओपन करती हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है। ये कल ही आ गया था, लेकिन कल आ गया था तो कल ये बताई नहीं थी मैं और ये पूछ रहे थे बाद में कि कुछ ऑर्डर की हो। एक्चुअली मैं उनके फ़ोन से ही ऑर्डर की हूँ, लेकिन नंबर अपना दी थी तो इसलिए उनके फ़ोन से ऑर्डर की थी, क्योंकि मेरे बच्चे रोना स्टार्ट कर दिए, उधर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं उनके फ़ोन से इसलिए ऑर्डर की थी क्योंकि मैं एजियो का जो ऐप है मैं उनके फ़ोन में ही डाउनलोड की हूँ, तो मैं उन्हीं के फ़ोन से ऑर्डर कर लेती हूँ अपने लिए खुद का गिफ्ट। तो ये मैं दिखाती हूँ आप लोग के लिए कि ये क्या है। ये एक ड्रेस है जो मैं देख रही थी बहुत दिन से, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं कर रही थी, और फाइनली मैं इसको ऑर्डर कर ली। ये देखती हूँ कि है कैसा, ऑर्डर की हूँ लेकिन इसके हिसाब से मैं इसको पहनती कब हूँ ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। तो पहनती हूँ, कल मैं नहीं पहनूँगी इसको। ये बहुत ही प्यारी एक ड्रेस है, ये आप देख पा रही होंगे, ये स्ट्रेचेबल है इसलिए बहुत ही शानदार है। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं पूरा पता चलेगा पहनने पे। ये स्लीवलेस है और बहुत ही खूबसूरत पीस भी है। ये इसका नेक है, इसमें एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, और इसका पीछे कुछ इस तरह है। ये पीछे, इसमें पीछे का गला जो है थोड़ा डिज़ाइनर है। तो ये है मेरा गिफ्ट, मेरे लिए ही है, और मेरा गिफ्ट मेरे खुद के लिए मैंने ऑर्डर किया है। तो ये मुझे अच्छी लग रही है ड्रेस, और मुझे अच्छी लगी थी इसीलिए मैं ये अपने लिए ऑर्डर भी की हूँ। और मैं हेल्दी हूँ इस वजह से मैं स्ट्रेचेबल ड्रेस ऑर्डर करती हूँ थोड़ा, और गर्मी स्टार्ट हो गई है तो ये मेरी ड्रेस बहुत ही शानदार है, और कलर इसका ब्लू है, माई फेवरेट। तो मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। ये मेरी क्यूट सी, सुंदर सी, प्यारी सी ड्रेस, और ये मुझे बहुत पसंद है। आई होप कि ये ड्रेस आपको भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ड्रेस, मेरा गिफ्ट, मेरे लिए सरप्राइज़, मेरा खुद का कैसा था। तो मैं आप लोग को भी बताऊँगी ये, और जब भी मैं पहनूँगी तो इसकी फ़ोटो या इसकी वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी। फ़ोटो तो ऑब्वियसली डालती रहती हूँ, तो मैं फ़ोटो भी डालूँगी। इसके हिसाब से तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी मैं हेल्दी हो गई हूँ। मैं एक समय दुबली हो गई थी, तो लेकिन दुबली होने के बाद मैं मोटी कैसे हो गई इसका कारण भी बताती हूँ आपको। मेरे बच्चे पीते हैं माजा और चिप्स खाते हैं, तो बच्चे तो नाम है कि खाते हैं और माजा पीते हैं। उनको दो देते हो और मैं चार खा लेती हूँ चिप्स। वो माज़ा पीते हैं, वो एक सिप पीते हैं और मैं बाकी घटक लेती हूँ। तो सारा असर मेरे ऊपर हो रहा है, बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो मेरे हेल्थ का राज ये है कि मैं मोटी कैसे हूँ। तो मोटी ना हो इसके लिए मुझे अपनी जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि मैं खाने पीने में चटोरापन जो है उसको कम कर सकूँ और मैं दुबली हो सकूँ। तो ये ड्रेस ज़्यादा शानदार लगेगी, जो दुबले लोग होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार पीस है। और डोंट वरी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मोटी हूँ या पतली हूँ, मुझे अपने आप पे प्राउड है मैं जैसी भी हूँ।
जो भी हूँ, और ये ड्रेस मेरी मुझे बहुत पसंद है और मैंने ये ऑर्डर किया था, तो ये आपको भी पसंद आएगी। और ये जो इसका डिज़ाइन है, ये इसका पीछे का जो डिज़ाइन है, ये अगर ब्लाउज़ में बनवाया जाए तो ये बहुत ही शानदार लगेगा। इसको देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये भी किया जा सकता है। तो जैसा भी है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और नॉर्मली जो एजीओ से आती है ड्रेस, जो भी कपड़े आते हैं, वो कपड़े अच्छे होते हैं। मुझे मीशो से थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस जो है, मीशो फ्लिपकार्ट वगैरह, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब है, लेकिन एजीओ में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है और मैं ज़्यादातर एजीओ से ही ऑर्डर करती हूँ। ये ड्रेस मेरी अच्छी है और बहुत ही अच्छी है, इसका कपड़ा भी बहुत शानदार है और ये मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया अपने लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप ये ड्रेस कैसी लगी तो कमेंट कमेंट प्लीज़ 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 कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।